हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा और वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा VBSPU। जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद सबसे पहले ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ दिया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और यहाँ से दिया है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं वेबसाइट खोल करके सामने आ गई है। इस पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट जो चेक करने का सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर शो कर रहा है रिजल्ट। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद उसमें पहले तो सिस्टम थोड़ा सा अलग था कि रिजल्ट को चेक करने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा अलग था, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है। अब रिजल्ट सेमेस्टर वाइज आ रहे हैं, मतलब कि एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हो रहा है तो रिजल्ट भी सेमेस्टर वाइज आ रहे हैं। तो जैसे ही इस रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ दिया गया है कि एक्सटर्नल साइट दैट ओपन इन ए न्यू विंडो। तो यहाँ से जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद आपको एक नए टैब में यानी वेबसाइट खुलेगी। यहाँ से देख सकते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, और यहाँ से नीचे दिया गया है कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है रिजल्ट का मतलब परिणाम, और दूसरा है एंट्रेंस रिजल्ट प्रवेश परिणाम, और तीसरा है कॉलेज लॉगिन, और चौथा है एडमिन लॉगिन। तो यानी कि यहाँ ये रिजल्ट चेक करने के लिए पहला ही ऑप्शन आपको है, बाकी एंट्रेंस वाला जो रिजल्ट आता है वो दूसरे ऑप्शन में आता है, बाकी ये कॉलेज से लॉगिन होगा और ये एडमिन लॉगिन का ऑप्शन मिला है। यहाँ से रिजल्ट वाला ऑप्शन जो सबसे पहला है इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको पहले कुछ अलग सिस्टम आता था, लेकिन अब देखिए कुछ अलग सिस्टम यहाँ दे रहा है। रिजल्ट दिया है और यहाँ दिया है सेमेस्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट, और उसके नीचे दिया है सेशन 2023 से 24, मतलब कि 2023 से 24 के बीच जो जो रिजल्ट आया है जिसका भी आया है, अगर चेक करना चाहते हैं तो इवन सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। अगर जैसे आपका दूसरा सेमेस्टर है, चौथा है, छठवां है, तो यहाँ से रिजल्ट आया होगा तो इस वाले पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपका पहला सेमेस्टर होगा, मतलब ओल्ड सेमेस्टर अगर है, पहला, तीसरा, पाँचवा, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे ही अगर हम इवन वाले सेमेस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं रिजल्ट तो शो करेगा किसका किसका आया है। तो यहाँ से दिया है जो रिजल्ट सेशन 2023 से 24, और यहाँ दिया है BAMS फर्स्ट प्रोफेशनल फर्स्ट, यानी 4/10/2024, मतलब 4 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो BEd सेकेंड ईयर का यहाँ से दिया है 11/9/2024, मतलब 11 सितंबर को, 11/9 को इसका रिजल्ट आया है। और रिजल्ट को चेक करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर सामने आपको देख सकते हैं दिया है इंटर रोल नंबर, यहाँ से रोल नंबर टाइप करना होगा, और उसी के जस्ट नीचे आपको इंटर DOB मतलब कि डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना होगा, और इसके नीचे दिया है कैप्चा कोड, यहाँ से कैप्चा कोड लिखा गया है, यही कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करके और नीचे सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस सब फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो एकदम सामने शो कर जाएगा, मतलब कि सामने आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का जो भी रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।